टेकेलाइट के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज जिस विषय पर हम बात करेंगे वो है सामान्य हिंदी। आपने देखा होगा बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाएं जो होती हैं उसमें सामान्य हिंदी का विषय भी रखा जाता है, और इसकी वजह ये है दोस्तों कि भारत में जो राष्ट्रीय हमारे कार्यालय हैं, जितने भी सरकारी कार्यालय हैं, उन कार्यालयों में जो भाषा इस्तेमाल हम करते हैं वो होती है हिंदी, और इसी वजह से हिंदी भाषा को विषय के रूप में रखा जाता है। आज जिस विषय पर हम बात करेंगे वो है स्वर, व्यंजन और वर्तनी। स्वर और व्यंजन क्या है? वैसे तो अपनी स्कूल की कक्षाओं में आपने वर्ण को पढ़ा है, और वर्ण के दो रूप होते हैं जिसे हम स्वर और व्यंजन के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले वर्ण को समझ लेते हैं। मुंह से किसी तरह की ध्वनि निकलती है, इन ध्वनि का कुछ आकार होता है। ध्वनि का जो उच्चरित रूप है, यानी कि जो उच्चरित रूप है वो ध्वनि कहलाता है। मुख से जो ध्वनि निकलती है उसे हम ध्वनि कहते हैं, लेकिन उसका जो लिखित रूप है उसे हम वर्ण कहते हैं। हिंदी भाषा में वर्णमाला है जिसमें कि 52 अक्षर हैं। उन्हें हम दो भागों में बांटते हैं। मानक हिंदी, जिसे केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने एक मानक रूप दिया है ताकि वर्णमाला का एक स्वरूप रहे और एक ही तरह के काम सारे कार्यालयों में एक जैसे किए जा सके। ये हम आपको बता दें कि 14 सितंबर 1949 को जब भारत में राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया गया, उसके पहले हिंदी एक लोक भाषा थी। इसलिए भाषा ने बहुत सारी भाषाओं से, दूसरी भाषाओं से भी कुछ शब्द ग्रहण किए, कुछ वर्ण ग्रहण किए, और अलग अलग बोलियों की वजह से भाषा का कुछ रूप भी बदलता रहा। लेकिन उस रूप के बदलने के बावजूद इसके जब इसे राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया तो इसे मानक रूप देने का भी निर्णय लिया गया, और हिंदी निदेशालय ने यह देखा कि बोली अलग होने की वजह से हिंदी भाषा का उच्चारण भी कहीं कहीं अलग है। ये तो आप जानते ही होंगे कि हिंदी जैसी बोली जाती है वैसी लिखी भी जाती है, इसलिए उसके स्वरूप में कोई परिवर्तन ना आए इसलिए उसका एक मानक रूप दिया गया, और मानक रूप में ही वर्णमाला और वर्तनी को हम देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं वर्ण क्या है। तो ध्वनि का लिखित रूप कहलाता है वर्ण, ठीक है। तो वर्ण कितने हैं वर्णमाला में? 52 वर्ण हैं, जिनमें हम दो रूपों में बांटते हैं। एक को हम कहते हैं स्वर और दूसरे को कहते हैं हम व्यंजन। अब स्वर क्या होते हैं? वो वर्ण जो बिना किसी रुकावट के स्वतंत्र रूप से उच्चारित किए जाते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं, और ऐसे वर्ण जिनमें थोड़ी सी बाधा उत्पन्न होती है या जिन्हें हम स्वर की सहायता से उच्चारित करते हैं उसे हम व्यंजन कहते हैं। तो चलिए वर्णमाला में हम इन स्वर और व्यंजन के वर्गीकरण को देख लें। सबसे पहले जानेंगे हम स्वर के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्वर हिंदी में जो हैं वो 11 हैं। तो कौन कौन से स्वर हैं? अ, आ, ई, ई, उ, रि, ए, ए, ओ, अ, अं, आह। ये हमने स्वर के रूप में देखा, लेकिन स्वर में हम 11 ही स्वर लेते हैं, और इसकी क्या वजह है ये भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम स्वर को देख लें। अ, आ, ई, ई, उ, रि, ए, ए, ओ, ओ, इनके उच्चारण में कहीं पर भी हमें बाधा का एहसास नहीं होता, जबकि वहीं अंग और अह यदि हम इसे देखें तो उसमें हमें दो चिन्ह दिखाई देंगे। ये दो चिन्ह कौन से हैं? ये और ये। इसलिए इन्हें हम स्वर में शामिल नहीं करके अयोगवाह वर्ण कहते हैं। अयोग क्यों कहते हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगी। प्रश्न ये आता है कि हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर हैं, तो आप ये बता सकते हैं कि 52। ये भी प्रश्न आता है कि कितने स्वर हैं, तो आप ये बता सकते हैं 11। अब स्वरों के वर्गीकरण को हम देखें तो जिन स्वरों में हमें थोड़ा कम समय लगता है उसे हमने कहा ह्रस्व स्वर, और जिन स्वरों के उच्चारण में हमें थोड़ा समय अधिक लगता है ह्रस्व स्वर की तुलना में उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। अब ये कौन कौन से स्वर हैं ये भी देख लेते हैं। अ, ई, उ, रि, ये ऐसे स्वर हैं जिनमें हमें समय कम लगता है, और इनकी संख्या कितनी है? 4। तो ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी हुई? 4। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि स्वर में ह्रस्व स्वर कितने हैं। अब दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिनमें ह्रस्व स्वर की तुलना में दुगना समय लगता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी हुई? 7।
एक और चीज़ जो हमने स्कूल में पढ़ा है वो है प्लुतस्वर। हालांकि भाषा के मानकीकरण में इस प्लुतस्वर को हटा दिया गया है और अब वर्तमान में हिंदी में इसका प्रयोग नहीं होता, लेकिन अपनी जानकारी के लिए हम बता दें, प्लुतस्वर वो होते हैं जिन्हें ह्रस्व स्वर को बोलने की तुलना में 3 गुना अधिक समय लगता है। यदि आपने कुछ वेद देखे होंगे तो वहाँ पर इसका प्रयोग इस रूप में होता है। इस तरह से कुछ लिखा होता है और जिसका उच्चारण कहते हैं राम ओम, इस तरह का जब उच्चारण होता है मतलब ये ह्रस्व स्वर से 3 गुना अधिक समय लेते हैं। ठीक है, तो अब आप ये जान गए कि ह्रस्व स्वर में 4 स्वर आते हैं और 7 स्वर आते हैं दीर्घ स्वर में। इस तरह से स्वर का वर्गीकरण किया गया है। अब हम इसी तरह देखेंगे व्यंजनों को। तो हमारे पास कितने व्यंजन हैं? अब हम व्यंजनों को भी देख लें। जैसा कि मैंने आपको बताया, व्यंजन हम उसे कहते हैं जिनके उच्चारण में स्वर हमें दिखाई तो नहीं देते लेकिन स्वर की उपस्थिति का एहसास होता है, उसे हम व्यंजन कहते हैं। तो व्यंजन को भी देख लें। क ख ग घ ग च छ ज छ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म। ये जो है ये 25 व्यंजन, ये किस तरह के 25 व्यंजन हैं ये मैं आपको बताऊंगी। इसके अलावा कुछ और व्यंजन हैं जिसे हम जानते हैं, य र। ये जो 25 व्यंजन हैं ये कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन, इन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। आप चाहें तो इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। ये भी प्रश्न पूछता है कि कितने स्पर्श व्यंजन हैं, तो आप बता सकते हैं कि हमारे हिंदी वर्णमाला में 25 स्पर्श व्यंजन हैं। इसके अलावा य र ल व स श श ह क्ष त्र ज्ञ और श। दिख रहा है? चलिए हम पहले इन 25 स्पर्श व्यंजनों की बात कर लें, जिसे हम क का वर्ग, च का वर्ग, ट का वर्ग, त का वर्ग और प के वर्ग के नाम से जानते हैं। वर्ग इसलिए कि 5 इस तरह से और 5 इस तरह से। अगर आप गिनती करेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 5 का वर्ग बनाती है। और इसे स्पर्श व्यंजन इसलिए कहते हैं कि इनके उच्चारण में जीभ मुँह के अलग अलग हिस्सों से टकरा कर इसका उच्चारण करती है, इसलिए हम इसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा यदि मैं य र ल व की बात करूं तो ये कैसा व्यंजन है? ये अंतस्थ व्यंजन के श्रेणी में आता है। अंतस्थ व्यंजन यानी कि अंदर से जो आवाज़ निकलती है, यानी कि आपकी जो हवा है वो जीभ या मुंह के अलग हिस्सों से ना टकरा कर अंदर से निकलती है। आप इसका उच्चारण करके देखिए, य र ल व। यदि आप इसका उच्चारण करेंगे तो ये कैसे कैसे उच्चारित होंगी? य र ल व, आपको हवा जो है अंदर से निकलती दिखाई देगी, इसलिए इसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं, सॉरी अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और ऊष्म व्यंजन कहलाता है श श श ह। इसे हम अंतस्थ व्यंजन कहेंगे और इसे हम ऊष्म व्यंजन कहेंगे। ठीक है, शक्कर का श इधर ले लीजिए, शलजम का श इधर कर दीजिए। ठीक है, इसके उच्चारण को भी हम समझेंगे।
तो हम बात कर रहे थे स्पर्श व्यंजनों की, जिसे हम क वर्ग के नाम से भी जानते हैं। इसे हम उच्चारण के, यानी कि उच्चारण और ध्वनि के रूप में अलग अलग तरह से भी देखते हैं। अगर आप उच्चारण अवयव के आधार पर यदि आपको पूछा जाए कंठ वाले व्यंजन कौन कौन से हैं, यानी ऐसे कौन से व्यंजन हैं जो कंठ से निकलते हैं, तो क वर्ग उसमें शामिल आएगा। क ख ग घ ग अंग, ये जो है ये सब काहे से निकलता है, कंठ से निकलता है, इसलिए इसको कंठ अवयव भी कहते हैं। इसके बाद अगर मैं च की बात करूं, च छ ज झ ञ, ये किस तरह के व्यंजन हैं, आप इसे बोल कर देखिए, च छ ज झ ञ, तो आप कहीं ना कहीं यहाँ पर तालु आपको स्पर्श करनी है। तो ये कैसे, तालव्य, ये तालव्य तालु से निकलने वाले व्यंजन हैं। उसके बाद ट ठ ड ढ ण की हम बात करें, तो ट ठ मूर्धन्य, यानी जीभ जब आपकी पलटेगी और उसके बाद जब आप उच्चारण करेंगे तो वो मूर्धन्य अवयव कहलाते हैं। फिर ट ठ ड ढ ण की हम बात करें, तो आपकी जीभ दांत से टकराती है, तब जाकर ये ट ठ ड ढ ण ये निकलता है, सॉरी त थ द ध न, ट ठ ड ढ अगर आप उच्चारण करेंगे तो जीभ आपकी पलटती है, इसे हम मूर्धा वाले अवयव कहते हैं, और जहां पर दांत टच करता है उसे हम दंतव्य अवयव कहते हैं। होंठ से जब हम कोई उच्चारण करते हैं तो उसे हम ओष्ठव्य भी कहते हैं, ठीक है। ओष्ठव्य अवयव कौन कौन से हैं, प फ ब भ म, ये हमारे ओष्ठव्य व्यंजन कहलाते हैं। अब बात करते हैं अंतस्थ की, जब अंदर से कोई व्यंजन निकलता है तो उसे हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, जैसे य र ल व, इसमें जीभ जो है वो बाहरी चीज़ों से स्पर्श नहीं करती है, इसलिए हमें अंदर से थोड़ी जोर लगानी पड़ती है, हवा के लिए थोड़ी ताकत लगानी होती है, इसलिए हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। लेकिन उन स्वरों के लिए जब हमें गर्म हवा का एहसास होता है, जब हम बोलते हैं, जैसे आप श स श और ह बोलते हैं, तो हमें इसमें ताकत लगानी होती है, और जब हमारे मुँह से हवा निकलती है वो थोड़ी गर्म होती है, इसलिए हम इसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इसके अलावा श त्र ज्ञ और श, ये संयुक्त व्यंजन के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि इनको यदि हम ध्यान से देखें या ध्यान से उच्चारित करें तो इसमें दो वर्णों का हमें उच्चारण दिखाई देता है। इतना समझ में आया आप लोगों को, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। उच्चारण अवयव में आपने घोष शब्द भी सुना होगा, ये घोष जो शब्द हैं वो कंपन होने वाले वर्णों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। हम क वर्ग में इसका और च वर्ग में, ये जितने वर्ग हमने बनाए थे पांच के, इसमें हम इसका जो उल्लेख है वो देखते हैं। इसमें अघोष और सघोष दो भागों में से बांटा गया है, आपने गिनती सीखी होगी 1 2 3 4 5, तो चलिए इस गिनती के आधार पर ही इसको याद रखने की कोशिश करेंगे। अ, एक और दो, ये सारे अघोष की श्रेणी में आते हैं, मतलब जितने भी ये वर्ग होंगे पहले और दूसरे, ये कहलाएंगे अघोष वर्ण, ठीक है। और 3 4 5 यानी कि जो बाद के वाले शब्द हैं, ग घ ण, जहाँ पे कंपन जो है वो तेज़ी से होता है, उसे हम कहते हैं सघोष वर्ण, ठीक है। इसी तरह से हम प्राण और के बारे में भी, घोष के साथ साथ प्राण के बारे में भी पूछता है कई बार प्रश्न, तो प्राण क्या होता है, जब वायु निकलती है तो उसे हम प्राण कहते हैं। जैसे हमारे जीवन के लिए हमें सांस की ज़रूरत होती है, वैसे शब्दों के उच्चारण के लिए भी उसे वायु की ज़रूरत होती है। तो प्राण में भी अल्प प्राण और महाप्राण, ठीक है। तो अल्प प्राण किसे कहेंगे, इसके लिए भी संख्या है, 1 3 5 अल्प प्राण है, 2 और 4 महाप्राण है, ये आप याद रख लीजिए, 1 3 5 अल्प प्राण है और 2 और 4 महाप्राण है। अब इसको कैसे याद रखना है, 1 3 5 मतलब
ये जो वर्ण है ये अल्प प्राण के वर्ण है, इनमें वायु कम लगेगी, और जो महाप्राण होगा यानी कि 2 और 4 ये कैसे वर्ण हैं, महाप्राण के वर्ण हैं। तो ये है प्राण और घोष, इसलिए अब इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस फॉर्मूला याद रखना है 1 2 3 4 5 अघोष और सघोष के लिए, और अल्प प्राण और महाप्राण प्राण के लिए आपको 1 3 5 और 2 4 ये आपको याद रखना है। यदि आपने ये याद रख लिया तो वर्णों में आप कहीं पर भी कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। अब हम वर्तनी को समझने से पहले समझेंगे मात्राओं को। स्वर में जो मात्राएं हमें दी गई हैं उनको भी लिखने का एक तरीका है। तो स्वर की मात्राएं कैसी हैं और उसे कैसे लिखा जाएगा ये हम जानेंगे हम स्वर की मात्राओं के ज़रिए। दोस्तों हमें वर्तनी पढ़ने से पहले मात्राओं का भी को भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए कि अगर हम मात्राओं को सही तरह से नहीं पढ़ेंगे, उनके लिखने के तरीके को सही तरह से नहीं समझेंगे, तो हम वर्तनी में या हिंदी के उच्चारण और लिखने में दोनों में गलती कर सकते हैं। तो चलिए इसके नियम को भी देख लेते हैं। अ को हम मात्राओं में नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? क्योंकि कोई भी व्यंजन बिना अ स्वर के मेल के उच्चरित ही नहीं होता, इसलिए अ को हम इस मात्रा में शामिल नहीं करते। अब इनकी मात्राओं को देख ली। ये वो मात्राएं हैं जो हम प्रयोग में लाते हैं हिंदी के लेखन में। मैंने आपसे एक और चर्चा की थी, वो था अयोगवाह वर्ण। अयोगवाह वर्ण किसे कहते हैं? अयोगवाह वर्ण इसलिए इन्हें कहते हैं, और इन्हें क्यों स्वर में शामिल नहीं किया गया, अंग और अह इसे वर्ण में इसलिए शामिल नहीं किया गया क्योंकि ना तो ये स्वर थे और ना ही ये व्यंजन थे, क्योंकि इनके उच्चारण में स्वर की उपस्थिति अनिवार्य थी। और इनका जब उच्चारण किया जा रहा है, यदि हम अ को हटा दें तो क्या आप इसका उच्चारण कर सकते हैं? नहीं कर सकते, इसीलिए इसे अयोगवाह वर्ण किया गया क्योंकि इसमें योग है, स्वर का योग। ठीक है, तो अब जब इसमें हम कोई स्वर या व्यंजन लगाते हैं तब जाकर हम इसका उच्चारण कर पाते हैं। ठीक है, अनुस्वार हम किसे कहते हैं? जब वायु नाक से निकलती है उसे हम अनुस्वार कहते हैं, जैसे अंग, वैसी अह। और एक और चीज़ जिसे हम चंद्र बिंदु कहते हैं, जिसे हम अनुनासिक स्वर के रूप में लेते हैं। अनुनासिक स्वर वो होते हैं जिसमें वायु नाक और मुंह दोनों से निकलती है, तो हम अंग को उच्चरित करते हैं। तो इस तरह से अनुनासिक स्वर और आपका विसर्ग और अनुस्वर, ये 3 स्वर जो हैं अयोगवाह स्वर में शामिल किए गए, और इनकी मात्राओं का, इनके चिन्हों का प्रयोग हम मात्राओं के रूप में करते हैं। ठीक है, अब इसे लिखने का तरीका, सूर्य है, सूर्य से 4 दिशाएं ले लीजिए और इन 4 दिशाओं को 4 नंबर दे दीजिए। ठीक है, इस तरह से इसे याद करेंगे। तो अब इससे पहले कि हम सूर्य की दिशाओं को समझें, पहले इन मात्राओं के प्रयोग को देख लेते हैं। कोई एक वर्ण ले लेते हैं, जैसे कि का, की, कु, कु, क्रि, के, कै, को, को, कं, कहा। चलिए, हमने एक वर्ण ले लिया है देखने के लिए। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं ये मात्राएं, जिसे पहली मात्रा, अब ये वर्ण है, समझ लीजिए ये सूर्य जो है आपका वर्ण है। तो अब ये देख लीजिए वर्ण के बाद कितनी मात्राएं लगती हैं, वर्ण के बाद कितनी मात्राएं लगती हैं, वर्ण के बाद लगी हैं, देखते जाइए इन निशानों को। 4 ऐसी मात्राएं हैं जो हमेशा वर्ण के बाद लगेंगी। ठीक है, तो इनकी संख्या कितनी हो गई? 4।
अब ऊपर लगने वाली मात्राओं को देख लें, तो ऊपर कौन कौन सी मात्राएं लगती हैं? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, ये ऐसी मात्राएं हैं जो वर्ण के ऊपर लग रही हैं। इनकी संख्या कितनी हो गई? छः। अब वर्ण के पहले लगने वाली मात्राएं देख लेते हैं कि ये कितनी है। वर्ण के पहले लग रही हैं एक, इसके अलावा एक भी नहीं है, तो वर्ण के पहले कितनी मात्राएं लग रही हैं? एक। और अब वर्ण के नीचे कितनी मात्राएं लग रही हैं ये भी देख लेते हैं। एक, दो, तीन। तो ये तीन मात्राएं हैं जो वर्ण के नीचे लगेंगी। ये फॉर्मूला है मात्राओं को याद रखने का। आप यदि ये याद रखेंगे कि वर्ण के पहले कितनी मात्रा लगती है, वर्ण के बाद कितनी मात्राएं लगती हैं, वर्ण के ऊपर कितनी मात्राएं लगती हैं और वर्ण के नीचे कितनी मात्राएं लगती हैं, यदि आपने इसे याद रखा तो आप कभी लेखन में गलती नहीं करेंगे। दोस्तों, लिखने की जो रीति है वो कहलाती है वर्तनी, और वर्तनी जैसा लिखा जाता है वैसे ही उच्चरित होता है। हम आपको बता दें कि संस्कृत से जो कुछ शब्द लिए गए थे उसमें एक शब्द था रि, लेकिन मानक वर्णमाला में इसे अब हटा दिया गया है, अब हिंदी में इसका प्रयोग नहीं होता। बहुत सारी जगहों पे ऋषि के रि को दो तरीके से लिखा जाता था, हम ऐसा लिखते हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों पे ऐसा भी लिखा जाता था, लेकिन अब इसका स्वरूप जो है वो केवल इस रूप में स्वीकार किया गया है। ये जो है केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने ये सुनिश्चित किया है, इनका प्रयोग जो है, इन दोनों का प्रयोग अब हिंदी में नहीं होता है। ठीक है, इसके आगे हम चलते हैं। संयुक्त वर्णों की यदि हम बात करें तो संयुक्त वर्ण में घुंडी हटाकर लिखा जाता है। ठीक है, घुंडी हटाकर या पाई हटाकर हम लिखते हैं। अब ये कौन से वर्ण है ये भी मैं आपको बता दूं, जैसे पहले तत्व ऐसे लिखा जाता था। ठीक है, लेकिन ये जो संयुक्त वर्ण है इसमें हमने क्या किया है, पाई हटा दी है, मीन्स ये जो डंडी है इसे हम पाई कहते हैं। तो अब ये दो लिखने की बजाय इसका जो स्वरूप निर्धारित हुआ है वो इस तरह से हुआ है, और इसमें ये भी तय किया गया है कि जहाँ पे दो व्यंजन हैं, ठीक है, जैसे आप अब पक्का ऐसा लिखते हैं, ठीक, पर पहले ये कैसा लिखा जाता था, ऐसा लिखा जाता था, तो अब क्या कर दिया गया है, ये हलंत और ये घुंडी हटा दी गई है, ये इसकी घुंडी है और ये इसका हलंत है, तो अब इसका स्वरूप क्या हो गया है, पक्का, यानी अब इसको हमें इस तरह से लिखना है, ये भी संयुक्त वर्णों के लिए सुनिश्चित किया गया है। ठीक है, इसके आगे हम देखेंगे विभक्ति चिन्हों को। यदि हम देखें विभक्ति चिन्ह हम किसे कहते हैं, विभक्ति चिन्ह वो होते हैं जो सपोर्ट में वाक्यों के शब्दों के लिए जाते हैं, जैसे राम को, श्याम को, जहाँ संज्ञा शब्द होंगे वहाँ विभक्ति चिन्ह अलग लगेंगे, और जहाँ पर सर्वनाम शब्द होंगे वहाँ पर विभक्ति चिन्ह साथ में लगेंगे। कैसे, जब हम राम को बोलेंगे तो हमें लिखना इसे ऐसे, ठीक है, जब हम श्याम को बोलेंगे तो हम इसे लिखेंगे ऐसे, यानी कि अलग अलग, तो विभक्ति चिन्ह यहाँ पर संज्ञा के साथ अलग लगेगा, लेकिन जब हम सर्वनाम के रूप में इसे बोलेंगे यानी उनको बोलते तो हम साथ में ही हैं, लेकिन जब हम इसको लिखेंगे तो हम इसे कैसे लिखेंगे, सर्वनाम में इसे जोड़कर लिखा जाता है, समझ में आया, उसको बोल राम को रहे हैं तो राम को बोलेंगे, लेकिन इसको जब लिखेंगे तो हम अलग अलग लिखेंगे, क्योंकि जो विभक्ति चिन्ह यहाँ संज्ञा के साथ प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन जब सर्वनाम के साथ प्रयोग किया जाएगा तो उसे जोड़कर लिखा जाएगा। ठीक, ये भी एक नियम है। जब हम अवयव की बात करें तो अवयव को भी देख लेते हैं, अवयव कैसे लिखे जाएंगे, हमेशा अलग अलग लिखे जाएंगे, राम के साथ, उनके साथ, जैसे आप वाक्यों में प्रयोग करते हैं उनके साथ चले जाओ, बोलते समय में एक साथ बोल देते हैं उनके साथ, लेकिन हम जब इसको लिखेंगे अवयव को तो इन अवयवों को कभी भी हम जोड़कर नहीं लिखेंगे, आप इनको बोलेंगे उनके साथ लेकिन इसको लिखेंगे ऐसा, यानी कि अवयव को हमेशा अलग अलग लिखना है, साथ में जोड़कर नहीं लिखना है, ये भी ये नियम है। ठीक है,
अब अगला नियम देख लेते हैं। अगला नियम ये कहता है कि श्री और जी, जिसका प्रयोग ये कि संबोधन जो होता है सम्मान सूचक है, श्री और जी का प्रयोग कभी भी जोड़कर नहीं करना है। यानी कि यदि आप किसी के नाम के आगे श्री लगाते हैं तो उसके नाम के साथ जोड़कर नहीं लिखना है, उसे आप अलग लिखेंगे। ठीक है, यानी कि इसे आप संयुक्त अक्षर के रूप में नहीं लिखेंगे। जब भी इनका प्रयोग होगा, श्री और जी दोनों का प्रयोग अलग तरह से होगा। ये भी एक नियम है। अगला नियम देखते हैं। क्रिया विशेषण में अवयव की जगह में क्या हो जाता है? स्वर हो जाता है। कैसे, ये जान लेते हैं। आप बोलते हैं नई किताब, लेकिन लिखते हैं नई। ठीक है, फिर इसी तरह और देख लेते हैं। काव्य, सॉरी ना, काव्य को व धा। दोस्तों, क्रिया विशेषण में जो ये शब्द आते हैं, य और व, ये जो अवयव हैं ये स्वर में बदल जाते हैं। कैसे, पहले ये ऐसे लिखे जाते थे, अब इनके मानक रूप के आने के बाद ये ऐसे लिखे जाते हैं। हम बोलते हैं हाँ अभी अभी हुआ है, लेकिन अब ऐसे लिखते हैं हम ऐसे। जैसा कि हमने बताया, हिंदी ने बहुत सारी भाषाओं को अपने में ग्रहण कर लिया है, और इस वजह से अलग अलग बोलियों की वजह से उच्चारण में भी परिवर्तन हुआ, लेकिन इसके मानक रूप की आवश्यकता महसूस की गई, इसीलिए मानक रूप में इसके ये स्वरूप को स्वीकार किया गया। यानी कि ऐसे अवयव जहाँ पर य और व का प्रयोग हो रहा था, वहाँ पर अब स्वरों का प्रयोग हो रहा है। ये क्रिया विशेषण के साथ ही होगा। जब क्रिया किसी की विशेषता बताएगी तो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं, और विशेषण शब्दों में ही इसका प्रयोग आपको दिखाई देगा। ठीक है, अनुस्वर और अनुनासिक स्वर, इनके लिए हमें स्थान की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जहाँ पर ये व्यंजन और मात्राओं के साथ लिखे जाएंगे, वहाँ पर हम इनका प्रयोग ना करके सिर्फ बिंदु का प्रयोग करेंगे, ये भी निर्णय लिया गया है। जैसे कि अब मुझे मैं लिखना है, अब अगर मुझे ये बिंदु लगानी है तो मैं, यहाँ पर सिर्फ एक ही जगह बची है, इसलिए हम क्या करेंगे, सिर्फ बिंदी का ही प्रयोग करेंगे। जब हमारे पास ऊपर कोई मात्रा नहीं है, मैंने अभी मात्रा पढ़ाई थी, यदि ऊपर की मात्रा हमारे पास नहीं है तब तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऊपर में यदि मात्रा है तो वहाँ पर हमें चंद्र बिंदु की जगह सिर्फ बिंदु लगाना है। ये भी मानक नियम का एक नियम है। इसके अलावा हम एक और चीज़ देखेंगे, नुक्ता वाले शब्द, क ख ग, प प जो, ये ऐसे वर्ण हैं जिन्हें नुक्ते के साथ पढ़ा जाता है। बहुत सारे हिंदी में ऐसे शब्द हैं जो अरबी, फारसी और अंग्रेज़ी से लिए गए हैं, उनकी जगहों पर इनका लेखन पूरी तरह बंद है। अब सिर्फ दो ही वर्णों में इसका उच्चारण होता है, यानी नुक्ता वाले वर्ण का प्रयोग होता है, और वो वर्ण हैं, शाले ने निर्णय लिया है कि सिर्फ अंग्रेज़ी, अरबी और फारसी के जिन दो वर्णों में इस नुक्ते का प्रयोग होगा वो फ और ज है। दोस्तों, कुछ शब्द ऐसे हैं हिंदी में जो दोनों रूपों में मान्य हैं और उन्हें मानक रूप में स्वीकार भी कर लिया गया है, जैसे सर्दी। यदि आप सर्दी को ऐसे लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं तो ये दोनों ही रूप में मान्य होगा। गर्मी को चाहे आप ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, इन्हें दोनों ही रूप में स्वीकार किया गया है। ये ऐसे वर्ण हैं, ऐसे शब्द हैं जिन्हें मानक रूप में स्वीकार कर लिया गया है दोनों ही रूपों में। इसके अलावा एक और चीज़ जिसका प्रयोग हम देखते थे वो था हलंत। हिंदी में बहुत सारी जगहों पर हलंत का प्रयोग होता था, लेकिन अब ये हलंत हट गया है, यानी कि अब हिंदी में हलंत का प्रयोग नहीं होगा। दोस्तों, अब हम बात करेंगे उन तत्सम शब्दों की जहाँ पर द्वित्व मूलक शब्द जो हैं, व्यंजन जो हैं, वो बीच में आते हैं और जिसकी वजह से उसका रूप बदल गया। जैसे अर्ध, ऐसे लिखने आना था, लेकिन क्योंकि ये निर्णय लिया गया कि व्यंजन वाले जो हलंत वाले व्यंजन हैं वो हट जाएंगे, इसलिए अब इसे कैसे लिखा जाता है, अर्ध।
इसी तरह से विसर्ग के लिए भी कुछ निर्णय लिए गए हैं। विसर्ग के लिए ये हम पढ़ेंगे आगे। ऐसे ही कुछ नियम तत्सम शब्दों के साथ लिए गए हैं, यानी जो संस्कृत के शब्द आए थे उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। आगे की कक्षाओं में जब हम शब्द पढ़ेंगे तो तत्सम और तद्भव शब्द हम पढ़ेंगे। तो जो तत्सम शब्द हैं उनमें से विसर्ग को हटा दिया गया है, उसका लोप कर दिया गया है। जैसे हम दुख को लिखते थे इस तरह से, पहले इसका स्वरूप यही था क्योंकि संस्कृत में इसी तरह से लिखा जाता और हिंदी में भी इसी तरह से लिखा जाता था, लेकिन अब यह निर्णय लिया गया है कि ये विसर्ग जो है उसका प्रयोग नहीं किया जाएगा, अब हम इसे ऐसे लिखेंगे। तो विसर्ग का लोप कर दिया गया है तत्सम शब्दों में। दोस्तों अब हम बात करेंगे उस प्रत्यय की जो कर के रूप में किया जाता है, यानी कि जहाँ पर कर क्रिया प्रत्यय के रूप में जोड़ा जाएगा। आपको बता दूं मैं कि जो काम हो चुका है यानी कि पूर्वकालिक जो क्रिया हो चुकी है उसमें हम कर का प्रयोग करते हैं और इनको हम जोड़ कर करते हैं, जैसे दौड़ कर। अब ये जो कर क्रिया है वो जुड़ जाएगी, तो अब जब इसको लिखेंगे ना तो हम इसे लिखेंगे दौड़ कर। पढ़ चुका है तो पढ़कर, लिख चुका है तो लिखकर, और इसे हमें जोड़कर लिखना है। तो आज की कक्षा में हमने पढ़ा स्वर, व्यंजन और वर्तनी, और वर्तनी जो है वो रीति है यानी कि नियम है। इसलिए यदि आप भाषा के ध्वनि के उच्चारण को सही तरीके से समझेंगे, मात्राओं को सही तरीके से समझेंगे, तो निश्चित रूप से आप गलतियां नहीं करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की कक्षा में आपको स्वर, व्यंजन और वर्तनी समझ आई होगी।